तो फिर देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने खेतों में और यहाँ से तोड़ रहे हैं छोटे छोटे वाले जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं, आप लोग टमाटर होते हैं बहुत ही खट्टे बहुत ही टेस्टी होते हैं, क्योंकि इनकी सब्जी आप लोग बनाइए तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो फिर आज हरी मिर्चा के साथ हम बनाने जा रहे हैं टमाटर, तो फटाफट इनको ढूंढ लेते हैं। यहाँ से हम तोड़ लेते हैं टमाटर को। यहाँ पर ये लगे हुए हैं टमाटर, कितने प्यारे प्यारे हैं, और हम इनको यहाँ इस तरह से तोड़ लेते हैं क्योंकि आज हमको जो सब्जी बनानी है स्वादिष्ट सब्जी बनने वाली है इन टमाटरों से। दोस्तों देखिए ये लगे हैं टमाटर, इनको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे टमाटर हैं, ये टमटी वाले हैं, टमाटर नहीं इनको टमटी बोलते हैं, शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा, क्योंकि टमाटर उनको बोलते हैं जो इतने बड़े होते हैं, टमटी बोलते हैं छोटे वाले। तो आज हम टमटी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी मिल गया है मेरे को बहुत ही प्यारी प्यारी टमटी। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से टमटी को तोड़ लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों टमटी को हमने तोड़ लिया है और आप चलते हैं धनिया की ओर। तो फिर यहाँ से हम चलते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गए हम धनिया के पास और अब हम धनिया को काट लेते हैं इस तरह से। काट लिया है, धनिया हमारी कट चुकी है और अब चलते हैं मिर्ची की ओर। यहाँ पर आ चुके हैं हम मिर्ची तोड़ने के लिए, तो फिर यहाँ से हम फटाफट मिर्ची को तोड़ लेते हैं। हमने तोड़ लिया है कितनी सारी मिर्ची को हमने तोड़ लिया है। तो फिर देखिए दोस्तों हमने धनिया टमाटर मिर्ची को तोड़ लिया है और अब धनिया टमाटर मिर्ची को तोड़ लिया है और अब चलते हैं घर। तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर लहसुन लगा है, इनके पत्ते भी हम तोड़ लेते हैं लहसुन के, इस तरह लहसुन के पत्तों को भी हमने तोड़ लिया है और अब लेके चलते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों अब हम सबसे पहले धनिया को साफ कर लेते हैं पानी के साथ। तो पानी के साथ हम धनिया को साफ कर लेते हैं इस तरह से और धनिया को हम सिल्वर रख देते हैं इस तरह से साफ करके, और हम लहसुन के पत्तों को भी साफ कर लेते हैं और मिर्ची। तो फिर दोस्तों देखिए मिर्ची को भी हम तरह से साफ कर लेते हैं। मिर्ची को हमने साफ कर लिया है, उनके डंठल भी निकाल लिए हैं। तो मिर्ची को थोड़ा सा अदरक को भी हम इसी तरह से डाल देते हैं, मसाले को पीसते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम पहले कुचल लेते हैं। ये दोस्तों अब हम प्याज को भी छील लेते हैं, प्याज को छील लेते हैं और फिर इस तरह से सिल्वर रख देते हैं क्योंकि जो हमको पीसनी है प्याज मसाले के साथ। प्याज को हमने छील लिया है और सिल्वर भी रख दिया और इस तरह से कुचल देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों अब हम इस तरह से पीस लेते हैं।
देखिए दोस्तों मसाले को हमने पीस लिया है, आप लोग देख रहे हैं कि मसाला हमारा पीस चुका है। और हम कटोरी में निकाल लेते हैं इस तरह से, और अब इस तरह से, और अब कटोरी में तो फिर चलिए दोस्तों अब चलते हैं, मसाले को हमने पीस लिया है। तो फिर देखिए दोस्तों हम टमाटर को साफ कर लेते हैं पानी के साथ। इस तरह से पानी को हमने डाल दिया है, स्टिफन में साफ कर करके स्टिफन में रखते जाते हैं इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारी टमटी है ये, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। इसको टमाटर नहीं बोलते, इसको टमटी बोलते। तो फिर देखिए दोस्तों टमाटर को हमने साफ कर लिया है टमटी को, और टिफिन में, और यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। अब आलू को भी हम साफ कर लेते हैं इस तरह से, छील लेते हैं। पहले छिल्ली को साफ कर लेते हैं, छिल्ली को हमने साफ कर लिया है, और अब इस तरह से आलू को भी छील लेते हैं। देखिए दोस्तों आलू को हमने छील लिया है, आलू को छील लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों सारे आलू हमने छील लिए हैं, सारे आलू हमारे छिलका तैयार हो गए। थोड़ा सा बचा है ये आलू, इसको भी हम छील लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों अब पानी के साथ साफ कर लेते हैं आलू को। पानी को हमने डाल दिया है और आलू को हम साफ कर लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों आलू को हमने साफ कर लिया है, और आलू हमारे साफ, और अब आलू की कर लेते हैं हम कटिंग। तो फटाफट आलूओं को हम काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आलू को हम काट लेते हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से आलू को भी हम कट कर लेते हैं, आप लोग देखिए आलू की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम आलूओं को काट लेते हैं जल्दी जल्दी से, आप लोग देख रहे हैं कि आलूओं की हम कटिंग कर रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम गैस को चालू करते हैं। गैस को हमने चालू कर दिया, गैस को हमने जला दिया है, और जो हमने टमाटर टमटी को लिया है उनमें अब हम टमटी को डाल लेते हैं, पानी को डाल लेते हैं, वो उबलने के लिए रख देते हैं इस तरह से, तो ये उबल जाए। तो फिर देखिए दोस्तों हम कड़ी पत्ता को साफ कर लेते हैं इस तरह से। कड़ी पत्ता को हमने साफ कर लिया है, और हरी मिर्ची, हरी धनिया, और इनको हम इस तरह से थोड़ा चला लेते हैं। टमाटर को पलट दिया है इनको ताकि ये और उबल जाए। तो देखिए दोस्तों टमाटर हमारे उबल चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने टमाटरों को निकाल लिया है, और हम कढ़ाई को हम फिर से गैस पर चढ़ा देते हैं। तो फिर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हम डाल देते हैं सबसे पहले तेल, और अब डालते हैं लहसुन। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, लहसुन को हम डाल देते हैं। हरी मिर्चा, तो हरी मिर्चा को भी हम साथ में डाल देते हैं। कड़ी नीम पत्ता, तो फिर कड़ी नीम पत्ता को भी, मसाले को भी हम डाल देते हैं, चला देते हैं मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों अब आलू को हम बाल्टी में डाल देते हैं पहले इस तरह से, और डालेंगे इसमें थोड़ा पानी।
तो फिर देखिए दोस्तों अब आलू को हमने साफ कर लिया है और अब डालते हैं हम कढ़ाई में। आलू को हम डाल देते हैं और हम चलाते हैं। अब आलू की भी कर लेते हैं मसाले के साथ फ्राई चलाते हैं। और अब इस तरह से हम मसाले के साथ करेंगे आलू और अब इस तरह से चला के कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। तो देखिए दोस्तों तो फिर देखिए दोस्तों अब हम टमाटर को छील लेते हैं इस तरह से चला के अच्छे से महीन बिल्कुल एकदम सॉफ्ट पेस्ट बना लेते हैं। तो हमने टमाटर का पेस्ट को डाल दिया है, जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो आलू में डाल दिया है और हम अच्छे से चला लेते हैं। तो आज की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होने वाली है आज की हमारी। तो फिर देखिए दोस्तों आज की हमारी न्यू ताजी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं टमाटी और आलू की न्यू ताजी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। और हम डाल देते हैं धनिया, हरी धनिया को डाल देते हैं। तो इस तरह से हरी धनिया को हम कट कर देते हैं और कट कर दें क्योंकि सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए दोस्तों सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी प्यारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके लिख के बताएं हमने कि किस तरह से बनाई हुई है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को करते हैं एंड।